नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अनवरत अनशन की। तो अनशन आज सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो गया है, काफ़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे भी हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी प्रयागराज की हों वे अभी भी जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दिखा करके दबाव बनाया जा सके। तो देखिए, आयोग उत्तर प्रदेश पर बैठे हुए हैं, आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है हमारा, और ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी का रिजल्ट नहीं देगा तो हम लोग 11 तारीख से क्रमिक अनशन करेंगे। और हमने अपने वायदे के मुताबिक 11 तारीख से क्रमिक अनशन का आगाज कर दिया, हम जो कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, बेरोजगार हैं, बेवफा नहीं, हम प्रतियोगी छात्र हैं, बेरोजगार हैं, बेवफा नहीं है लोक सेवा आयोग के सचिव की तरफ। आपने कहा 7 फरवरी को रिजल्ट देंगे, आपने नहीं दिया। हमने कहा कि 11 मार्च को आएंगे लोक सेवा आयोग पर क्रमिक अनशन करेंगे, और हम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में कि इस बार के आंदोलन में अनशन में काफी संख्या में महिलाएं भी भाग ले रही हैं। जो महिला प्रतिभागी हैं वो देखिए काफी संख्या में इस आंदोलन में कल भी आई थी और आज भी आई हैं। और हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समय पूरे मुल्क में आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद भी हमारे हौसले में कमी नहीं है, हमने अपने फैसले को नहीं बदला। आज लोक सेवा ये बहुत बड़ी बात है। आज कल हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, कल भी हमारी प्रतियोगी छात्र बहने जो पूरे मुल्क की 50% आबादी की हिस्सेदारी रखती हैं, उन्होंने कल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज का हालात ये है, आज देखने पे ऐसा लग रहा है कि अब तो जो है झांसी की रानियां निकल आई हैं। जब कोई काम के लिए मर्द आगे निकलता है, साथ में औरतें भी जब आ जाती हैं तो काम मुकम्मल हो जाता है, इस बात का मुकम्मल यकीन। और आज जो है क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है, ऐलान जंग का आगाज हुआ। आचार संहिता के दौरान हम बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। मीडिया वालों का भी हमारा सहयोग हम पर बहुत ज्यादा है, प्रशासन ने भी कहा है आप शांत। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग बाहर के हैं, जो लोग प्रयागराज के नहीं हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर दें ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके, और जो विद्यार्थी प्रयागराज आ सकते हों, लोक सेवा आयोग आ सकते हों, वे आए। हम भी भरोसा रखते हैं भारत के संविधान में, ईमानदारी से हम शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इतना प्रदर्शन करेंगे कि लोक सेवा आयोग की झूले हिल जाएंगे रिजल्ट देने के लिए। हम लोगों ने कभी भी कोशिश नहीं की किसी के दिल को दुखाने का। लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से लगातार 7 या 8 बार हम लोगों की वार्ता हुई, हर बार उन्होंने आश्वासन दिया, हमने उनके वादे पे भरोसा करके हर बार अनशन को तोड़ा। पहले हम जो है वनडे खेल रहे थे, वनडे और 20-20, समझ रहे आप लोग, पहले जितने आंदोलन हुए वो 20-20 के रूप में हुए, वनडे के रूप में हुए। इस बार पहली बार लोक सेवा आयोग पर टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। और इस तरीके का टेस्ट मैच खेलेंगे कि फॉलो ऑन भी नहीं बच पाएगा लोक सेवा आयोग, क्योंकि
भाई, ए भाई आइए आप बात करो। इस मकाए है आज मंगलवार है क्या? शुभ दिन है मेरे भाई, ताली बजाइए, शुभ दिन है। कल सोमवार को आकाश किए थे, आज मंगलवार है, हो सकता है कि बुद्धि आ जाए लोक सेवा आयोग को और आज ही शाम तक रिजल्ट दे दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम लोगों ने फैसला किया था, अभी आपका 21 मार्च को होली का त्यौहार भी है और पूरे बदन में अजीब सी कसमकस चल रही है कि काश के होली से पहले अगर रिजल्ट आ जाता। सोच कर देखिए, अगर होली से पहले रिजल्ट आता तो होली मनाने का मजा कितना आता। कसम मैं बताता हूँ, होली के पहले रिजल्ट आएगा तो दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के रंग लगाएंगे। क्योंकि जिस दर्द से गुजर रहे हैं, जो बेरोजगारी की पीड़ा है, हर दिन हर वक्त हर लम्हा हमारा दर्द में कर, बेबसी में, मजबूरी में, कि वो वक्त कब आएगा, कब वो दौर आएगा कि हमको नौकरी मिल जाएगी, हमको भी लगेगा कि नहीं हमने अपनी मुकम्मल जिंदगी की शुरुआत कर ली है और आज नौकरी मिली है, आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है। जिस दिन नौकरी मिली, पहला दिन, तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अनवरत चलाएंगे मेरे भाई। हौसले में कमी नहीं है, फैसला कर लिए हैं, हौसले में कमी नहीं है। जब तक लोक सेवा आयोग LT का रिजल्ट निकाल कर नहीं देगा, तब तक यहाँ से लोक सेवा आयोग से हटने वाले नहीं है। ये बात को कान खोल कर सुनने अध्यक्ष महोदय, आपके पास 4 महीना का टाइम है और सचिव महोदय भी सुन ले कि रिजल्ट आपको या तो मोहब्बत से दे दीजिए, हम मोहब्बत से मांग रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं। आज हमारे सभी प्रतियोगी भाई और प्रतियोगी बहने, सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, कुछ हमारे देखिए लगभग 4.25 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, 4.25 लाख लोगों को रिजल्ट की दरकार है। कुछ लोग कमरे से रिजल्ट ले लेते हैं, कुछ लोग दूर दूर से रिजल्ट ले लेते हैं, कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो हर बार हर आंदोलन में हर धरने में यहाँ पे आए हैं, कोई भी ऐसा धरना नहीं करता। हमारे ऐसे भी प्रतियोगी भाई हैं जिनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व भेज दिया अपने भाई के रूप में। ये हमारे शुक्ला जी हैं, सुधीर कुमार शुक्ला, इनके छोटे भाई का LT का रिजल्ट है, इनका LT से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये हौसला है LT के रिजल्ट निकलवाने के लिए। उस भाई को मैं जो है प्रणाम करता हूँ जिसने भेजा अपने बड़े भाई को कि आप जाइए हमारी जगह पे खड़ा हो जाइए, अगर वहाँ से क्या कम हो बनेगा, एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो यकीन है इस बात का कि लड़ाई में फतह हासिल होगी, जीत हासिल होगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अनशन चलेगा मेरे भाई, लोक सेवा आयोग जब तक LT का रिजल्ट नहीं देगा, और सच्चाई बता दूं, ये LT का रिजल्ट जो है ना, ये ताबूत में आखिरी कील है लोक सेवा आयोग, ताबूत में आखिरी कील है, ध्यान दीजिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपनी जिंदगी में पूरे हमें नहीं लग रहा किसी एक परीक्षा में इतना बड़ा रिजल्ट दिया है। दिया है क्या कर दिया भैया, 10,768 का मामला, यही है ना,
बड़ा नंबर है, लगभग 10,768 रिजल्ट। एक बार अपनी पूरी जिंदगी में लोक सेवा आयोग ने कभी रिजल्ट नहीं निकाला और परीक्षा भी नहीं कराई है, इतनी बड़ी परीक्षा भी नहीं कराई है, ये दुर्भाग्य है। हम तो इसमें दोष भी देंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को कि भैया जिसके पास इतना काम था उसको क्या जरूरत थी परीक्षा कराने के लिए देने की। आप दे दिए होते गरीब टाइप का नियामक पिता गलते शरत जांच रहा दे तो रहा है, गलते जांच रहा 18 लाख कापी जांच दे रहा 18 घंटे। हमको मेडल थोड़ी लेना था कि नहीं भैया लोक सेवा आयोग से चयनित हुआ ना, हमको तो सिर्फ ये दिखाना था कि भैया। तो दोस्तों ये धरना तो फिलहाल चल रहा है, जो विद्यार्थी पहुंच सकते हैं वे पहुंच जाएं अभी भी, और जो भी होगी अपडेट मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, और अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, और अधिक जागरूकता फैलाने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।